नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त एक्शन में है। दरअसल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में और राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सेवा संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार, आपको बता दें, 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की तारीख तय की है। ऐसा ना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश पर कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को और उसके बाद होने वाले डीपीसी की बैठक में संपत्ति ब्यौरा का खास तौर पर संज्ञान लिया जाएगा। संपत्ति विवरण ना देने पर 1 जनवरी 2024 के बाद किसी भी डीसीपी में नहीं शामिल किया जाएगा। इस नियम के तहत मानव संपदा पोर्टल के जरिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी की संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। का जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है और उसी के चलते अब चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार ऐसे अधिकारियों के प्रमोशन पर जो है वो किसी भी तरीके से विचार नहीं करेगी जो लोग अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं देते हैं। वैसे आपको बता दें, राज्य सरकार पहले भी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लेती रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब मानव संपदा पोर्टल पर इसे देना जरूरी किया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था के शुरू होने से किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मालूम हो कि आईएएस और पीसीएस अफसरों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, मगर पिछले कई सालों से कर्मचारियों का ब्यौरा हर साल लिया जाने लगा है। आईएएस और पीसीएस तो संपत्तियों का ब्यौरा दे देते हैं, लेकिन कर्मी नहीं देते हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, इसलिए कर्मियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है। जो भी ब्यौरा नहीं देगा उसके बारे में पता लगाया जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्या वाकई में योगी सरकार का ये कदम भ्रष्टाचार पर वार साबित होगा? अगर ये नजीर बना, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी के लिए ये सुकून भरी खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार वो दीमक है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा चुका है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी दें, जीरो टॉलरेंस का पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर पालन किया जाए और जहां पर भी इसकी लापरवाही दिखाई दे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अब प्रदेश के कार्मिक विभाग को आदेश जारी किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं उनके प्रमोशन पर विचार ना किया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो लगातार ये देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद अधिकारियों के जो कहीं ना कहीं मन में डर है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें ये आदेश दिया गया है कि हर साल आपको संपत्ति का ब्यौरा, चल और अचल संपत्ति भी इसमें शामिल है, उसका आपको पूरा ब्यौरा आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। दुर्गा शंकर मिश्रा जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ऐसा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उसके बाद ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार सरकार सख्त है। अब कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर सख्ती से वार किया जाएगा। तो योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, तो क्या इस प्रकार के आदेश के बाद अधिकारियों का जो हो रहा भ्रष्टाचार कम हो पाएगा? किस इस प्रकार के आदेश के बाद क्या अधिकारी अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करेंगे पोर्टल पर? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हर साल करना होगा और जिस अधिकारी ने इस पर अपना अपलोड नहीं किया पोर्टल पर तो आगे चलकर प्रमोशन नहीं मिलेगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अशोक जी, योगी सरकार का एक आदेश आया है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का, उनका कहना है कि सभी अधिकारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा पोर्टल पर, और जो अधिकारी अपना ये ब्यौरा अपलोड नहीं करेगा उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। किस प्रकार से आप देखते हैं? जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने की बात है, इसको तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी व्यवस्था है। लेकिन अभी व्यवस्था के अलावा जो प्रमोशन रोकने की बात है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरत है कि उनको पेनलाइज करने की जरूरत है। जिन अधिकारियों को अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, जिन कर्मचारियों को जो आए जिन शिकायतें मिलती हैं कि इतना घूस लेते हुए फला अधिकारी पकड़ा गया, इस तरह से अधिकारी पकड़ा गया, लेकिन होता क्या अल्टीमेट वो किसी तरह से मैनेज करके फिर छूट जाते हैं। आप अगर आम जनता से पूछेंगे जिसका तहसीलों में, थानों में या अन्य सरकारी कार्यालयों में जो आमना सामना होता है, वहां पे असली भ्रष्टाचार का खेल समझ में आता है। ये तो ठीक है टीवी में या इस तरह से जो आदेश जारी कर दे मुख्यमंत्री अभी भले चमक जाए, लेकिन आम जनता को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला सुनील जी, क्योंकि जब तक ये तहसीलों में, थानों में और सरकारी कार्यालयों में जो आम जनता को सूस रहे हैं भ्रष्टाचार का दीमक बन के अधिकारी कर्मचारी, उनके ऊपर कैसे सख्ती होगी? उसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, तो इसका इसके लिए तो सरकार को सबसे पहले कोशिश करना चाहिए बनाने की रोड मैप, कैसे इसको किया जाए। लेकिन अशोक जी आप कह रही है पहले से था, जरा मुझे बताइए पहले से कब से था? नहीं, ये कोई आज कोई नए में थोड़ी था कि अधिकारी कर्मचारी अपना ब्यौरा अपलोड करेंगे। ये कोई योगी सरकार ने नहीं जारी किया ये नियम, ये बहुत पहले से नियम है। कब से है, कौन कौन करता है जरा बताइए। नहीं, ये देखिए, ये नियम जो है आप गूगल करके चेक कर लीजिए, फिलहाल अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन इतना याद अशोक है जी, अशोक जी जहां तक मुझे याद है, मैं आपको बता दूं अशोक जी, जहां तक मुझे याद है एफिडेविट लिया जाता है, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की बात नहीं की जाती है, और जब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा तो बहुत पारदर्शिता होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, तुरंत खोल कर देखा जा सकेगा। ऐसा देखिए सरकार की मंशा क्या है ये देखने की जरूरत है। देखिए आप बात को घुमा दिया, आपने बात को आपने घुमा दिया, मैंने आपसे क्या पूछा आपने उसका जवाब ये कर दिया गूगल कर लो वो कर लो, जब मैंने कहा तो सरकार की मंशा, मेरा ये मानना है, मैं जो आपसे कह रहा था सुनील जी, ये बताइए किसी कर्मचारी का अगर सिर्फ प्रमोशन रोक देने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर इसको देखा जा सकेगा और आपको अपलोड करना होगा हर साल आपके संपत्ति का ब्यौरा जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। नहीं नहीं ये बात आप ठीक कर रहे हैं, आप जो है कि इसका ब्यौरा देना है, लेकिन क्या ब्यौरा नहीं, आपने अशोक जी आपने कहा ये पहले से भी था, तो मैंने कहा जरा बताइए पहले से था, तो आपने कहा गूगल कर लो। नहीं ये बताइए योगी सरकार ने ऐसा मतलब नियम लाया है कि अधिकारी कर्मचारी अपना संपत्ति का ब्यौरा देंगे, ये पहले आप ये बताइए कि क्या ऐसा आदेश योगी सरकार ने सिर्फ दिया है? सर आप डिबेट में बैठे, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ कृष्णमोहन पांडे, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा, समय है बहुत सारा है, अच्छे से डिबेट करेंगे। मेरे साथ कृष्णमोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता बीजेपी के, सर आवाज मिल रही है सर? कृष्णमोहन पांडे जी आवाज मिल रही है?
लगता है संपर्क नहीं हो पर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अशोक जी अपनी बात रखिए सर। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा था सुनील जी कि क्या योगी सरकार ऐसी सरकार पहली है सरकार है जो अधिकारियों कर्मचारी से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांग रही है? नहीं मैंने तो यही कहा कि पहले से ब्यौरा मांगते रहे लेकिन ये पोर्टल पर अपलोड करना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एफिडेविट बनते हैं सर, आपको आपको पता होगा अच्छे से, आपको पता होगा एफिडेविट बनते हैं, एफिडेविट में हरी बात देनी पड़ती है कि कितनी संपत्ति है जब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आपको अच्छे से पता होगा ना सर। लेकिन एफिडेविट के बाद क्या हुआ, कितना प्लस हुआ, क्या हुआ, वो उसमें मेंशन नहीं होता। देखिए सुनील जी, देखिए बात यह है कि जो सरकार की योजना जो है इस तरह का जो प्रमोशन रोकने की योजना है, इस योजना से जो है करप्शन नहीं रुकने वाला है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में करप्शन का आलम यह है सुनील जी कि जो मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जो 8 अगस्त 2022 को निकली थी कि अयोध्या एमएलए मेयर एंड लिस्ट ऑफ 40 एक्यूज ऑफ लैंड स्कैम, ठीक है? तो ये अयोध्या में जहाँ भगवान राम, अशोक जी यही तो सवाल है कि करप्शन पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने ये वज्र का काम करेगा ये? तो अभी तक सरकार क्यों सो रही थी 8 सालों से लगातार काम कर? ठीक है मेरे साथ कृष्णमोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आवाज मेरी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही आवाज। कृष्णमोहन पांडे जी, जिस प्रकार से योगी सरकार ने और आज जो मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर जी, उन्होंने अपनी बात को रखा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिसंबर 2023 के लास्ट तक आपको अपने सारा ब्यौरा आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और जिस अधिकारी ने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया उसका प्रमोशन रुक जाएगा, किस प्रकार से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे अशोक यादव, उनका कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो ये निर्देश दिए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल प्रपत्र में है कि हम अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जिस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े उसको पूर्ण करेंगे। चूंकि भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रथम जरिया है ये, हर व्यक्ति अपने जो भी आय के स्रोत हैं और जो उनके पास संपत्ति है इसका ब्यौरा आप अपलोड करें। यदि उस संपत्ति से ज्यादा आपके पास संपत्ति आती है तो निश्चित तौर पर वो करप्शन है, ये अपराध है, और अपराध की श्रेणी में आते हैं तो अपहरण किया जाएगा। दूसरी बात, अशोक यादव जी जो बात कर रहे हैं, ये चूंकि समाजवादी पार्टी में ये प्रक्रिया रही है और समाजवादी पार्टी तो इसकी पोषक रही है कि आप लूटो और लूटने दो। इस प्रदेश में जितनी भी योजनाएं बनी समाजवादी पार्टी की, उन 7 ही योजनाओं में एक ही प्रकल्प रहा कि जितना अधिक तुम लूट सो लूट लो और उससे ज्यादा मैं लूट लो। लूट की, परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की, आतंकवाद, आतंकियों का सहयोग देने वाली पार्टी यदि ये बात करती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इन पर विचार करती है और की भी है। 14 में की, 17 में की, 19 में की, 22 में की, और बड़ी मजबूती से इस बात को कहता हूं कि 24 में भी इनका विचार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेकर आज तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अपराध के खिलाफ थे, दंगाइयों के खिलाफ थे, तो आज भी हैं। और ऐसे अधिकारियों पर जो कि उत्तर प्रदेश में लूट मचाए रखे हुए थे, भ्रष्टाचार मचाए हुए थे, और अभी वो ऐसे ही बिना किसी ब्यौरा के अपना जीवन यापन करे, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई जवाब दीजिए और भ्रष्टाचार को रोकने का। देखिए भाजपा के प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे परिवारवाद के खिलाफ। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से क्या सवाल पूछा था कि परिवारवाद की सबसे बड़ी देन तो आप हैं। उन्होंने सीधा सवाल पूछा था ना माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किस तरह से एक परिवारवाद के तहत आपको मत का विचार मिल गया और आप परिवारवाद की देन से सांसद ही बन गए। मुख्यमंत्री जी क्या कोई जवाब दे पाए? तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में है, उनके डीएनए में है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात मैं कर लूं, यही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक बरसात नहीं झेल पाया जो है उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए। यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने माँ गंगा के सफाई अभियान का पैसा खा गए लोग। अशोक जी यदि बोलना बंद करें तो मैं कुछ अपनी बात रखिए थोड़ा। इन लोगों ने देखिए अशोक जी चूंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं और उस पार्टी से आते हैं जहां पे कि मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, उसके बाद से अखिलेश जी होंगे, उसके बाद उनके पुत्र होंगे और पुनः आने वाली उनकी पीढ़ी होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उस मुख्यमंत्री जब बनने की बारी आएगी तो आदरणीय
स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, अब उनके जाने के बाद से मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, उनके परिवार के लोग विधायक सांसद मंत्री जो कुछ संवैधानिक पद है उसको बनने के बाद बचता है, निश्चित तौर पर वो दूसरे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की तरह है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पिताजी किस मुख्यमंत्री पद पे थे? देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिता या माँ या उनके परिवार में कोई राजनीति में करने वाला हो हमको बताइए। इस उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं, कईयों ऐसे नेता हैं जिनको जिन जो कोई चाय बेचने वाले का बेटा है, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा है, कोई मजदूर है, अधिकतर लोगों की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती रही है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि मुद्दे पर, सर मुद्दे पर आइए, डिबेट मुद्दे पर होनी चाहिए। जो हम लोग अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं जो योगी सरकार का फैसला है, मुद्दे पर आए तो बेटर रहेगा, उधर परिवारवाद हम लोग घूम जाते हैं तो मुद्दे से थोड़ा भटक जाते हैं। सर मुद्दे पर आइए। जब अशोक जी जब उधर पहुंचे तो मौजा, दूसरी बात मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो निर्देश दिए गए हैं, ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए प्रथम दृष्टया है, और निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया ये भ्रष्टाचार को रोकने का, भ्रष्टाचार को रोकने का वज्र का काम करेगी, बहुत ही वज्र का काम करेगा। देखिए इन्हीं के मंत्री थे दिनेश खटीक, 2020 में शायद उन्होंने 20-21 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और ये क्या कहा था उन्होंने, उनके मंत्री थे ना, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तबादला उद्योग की तरह हो गया है और ये बहुत बड़ा एक बिग इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि माँ गंगा के सफाई अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसे मिलकर अधिकारी लोग खा गए। ये मेरा बयान नहीं है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, उनके राज्य मंत्री का बयान है, ये दिनेश खटीक जी का बयान मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं, अगर देखा जाए तो इनका सिर्फ एक ही नारा है, देश को लूटो भाजपा को खींचो, क्योंकि देश के 766 जिला मुख्यालयों में जिस तरह से इनके 3-स्टार ऑफिसर्स बन गए भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए इतना पैसा कहां से आया? जल्दी से पांडे साहब है, अमिताभ जी के पास जाऊंगा। पांडे साहब जल्दी से, ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो बजट बनता था वो दूना बनाते थे, ताकि आधे में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बने और आधे में इनके नेता भ्रष्टाचार की लूट करें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ साथ साइकिल पथ बनाया गया, जो जितना उसका बजट था उससे दूना बनाया गया। गोमती रिवर फ्रंट अपने प्रोजेक्ट के 4 गुना नहीं 6 गुना तक पहुंचा, ये सिर्फ लूट की भेंट चढ़ा। साहब ये लोग जो प्रदेश में कोई भी योजना बनाते थे उससे पहले अपने लूट की परिकल्पना को सिद्ध कर लेते थे, तब विकास और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश। ठीक है ठीक है, हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, पांडे जी आपके पास आऊंगा, अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी आपने सुना होगा, अशोक जी को भी सुना होगा और आपने पांडे साहब को भी सुना होगा। सवाल मेरा आपसे ये करता हूं कि मुख्य सचिव का यह आदेश जिस प्रकार से अधिकारियों को लेकर दिया गया, उनका कहना है कि 31 दिसंबर तक सभी को अपना अधिकारियों का ब्यौरा जिसमें चल और अचल संपत्ति भी है उसको अपलोड करना होगा पोर्टल पर, योगी सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है अधिकारियों पर और जिसने नहीं किया उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, किस प्रकार से देखते हैं और क्या इसके मायने हैं, क्या बदलाव आएगा प्रदेश में? बहुत बेहतर बदलाव आएगा, लेकिन कानून बनाना, नियम बनाना और फिर उसको लागू करना वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी सरकार को यह भी करना चाहिए कि जितने भी पंजीयन कार्यालय हैं वहां से सभी अधिकारियों के नाम और उनके परिवार के नाम से जो भी अचल संपत्ति पंजीकृत होती रही है पिछले 15-20 सालों में उसका ब्यौरा सीधे मंगवा ले। इसके साथ ये भी कर ले, वो अधिकारी अपना दाखिल करेंगे वो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उनके और उनके परिवारों के नाम जो हाल के वर्षों में जो भी अचल संपत्ति खास करके भूमि का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ होता है उसकी जानकारी भी मंगवा ले और इन नेताओं को भी मंगवा ले, क्योंकि विधायकों की जो खबर है, अभी कल परसों हमारी बातचीत हो रही थी एटा के पास अलीगंज वगैरह में कोई विधायक है और भाजपा के ही है, वो ब्लॉक लेवल पे अधिकारियों को और पंचायत के प्रधानों को तब तक काम नहीं करने देते जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं नेतागण, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोई ठीक करने को नहीं तैयार है कि जमीनी स्तर पे चीजें ठीक हो। अशोक जी का ये कहना है, अमिताभ जी
अशोक जी का ये कहना है कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ नया नहीं हुआ, ये तो भाई ऊपरी स्तर से जब ऐसा नियम लाया जाए और सख्त नियम लाया जा रहा है, इसका मतलब बदलाव की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकारी वो धुरी हैं जहां से भ्रष्टाचार जो है वो पनपता है। सारा नियम कानून तो कायदे जो है उसको ताक पे रखने का तरीका ये जानते हैं, इतने खेत निकाल लेते हैं कि आराम से मिल बैठ करके बांट करके खा लें। इनकी योजनाओं का मैं कह रहा हूं ना कि सही ढंग से, और अपने राज्य की नहीं, मैं कह रहा हूं कि हर एक जिले का एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में बाहर से लोगों को ला करके उनको सारी डिटेल दे दी जाए कि पिछले 5 सालों में ये योजना फला फला ब्लॉक तहसील गांव में लागू की गई है, कृपया इनका जरा पंचनामा कर दीजिए, ठीक है ना, जांच पड़ताल नहीं, पंचनामा कीजिए कि कितना काम हुआ, कितना पैसा पानी में गया, क्या क्या हिसाब। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन ये पोर्टल पर होगा ना सर अपलोड, ये पोर्टल पर होगा, ऑनलाइन कोई भी देख सकता है, इसमें पारदर्शिता होगी सर, कोई फाइल एफिडेविट नहीं होगा सर, पोर्टल पर होगा, अपलोड होगा, कोई भी तुरंत इसको खोलकर देख सकता है, ये ट्रांसपेरेंसी होगी सर इसमें। ये बिल्कुल ठीक बात है, जब आप उनको अपने से देने के लिए कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, साथ में एफिडेविट भी लिखवा लें। तो अमिताभ जी क्या ये माना जाए, अमिताभ जी क्या ये माना जाए योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है इस प्रकार से? देखिए नियम बनाने में तो मेरे ख्याल से हर सरकार कुछ अच्छे अच्छे नियम बनाती है, लेकिन वो खाली चर्चा में और प्रचार के लिए और लोगों तक संदेश खाली दिखाने के लिए जो होता है ना, भाषण के लिए जो होता है, उस तक ये घोषणा न रह जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके साथ एक एफिडेविट भी लिखवा ले और पोर्टल पे डाले कि जो संपत्ति का ब्यौरा मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर अगर कोई संपत्ति मेरे नाम या मेरे परिवार के नाम निकलती है तो मैं मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए बगैर शर्त। ठीक है, ये भी एक डलवा। ठीक है सर, अशोक जी सही जानकारी जी, अमिताभ जी का कहना है बहुत बदलाव आएगा इससे। देखिए अमिताभ जी ने भी कहा कि बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी नियम पे काम करने की। अभी आप कह रहे थे पोर्टल पे पड़ गया, मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर करारा प्रहार हो गया और इस तरह का बात आप बता रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, आयुष्मान भारत योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 2 दिन पहले अखबार में कि सीएजी रिपोर्ट 7.5 लाख रिसिपिएंट्स लिंक टू सिंगल नंबर, एक ही नंबर, 9 नंबर 10 बार उस पे 7.5 लाख लोगों का डेटा एक ही नंबर पे है। ऑनलाइन पोर्टल की बात मैं कर रहा हूँ सुनील जी, मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह से 8 नंबर 10 बार है, उसपे 1.5 लाख नंबर रजिस्टर्ड है पोर्टल से। तो आप ये बताइए कि सिर्फ नियम लगा देने से भ्रष्टाचार रुक गया? आप आयुष्मान भारत ने इतनी बड़ी इरेगुलरिटी जो भी सीएजी ने इसको, पांडे जी जवाब दीजिए, तो इस तरह से कैसे पोर्टल पे अपलोड करने से चीजें? पांडे जी जब तक सरकार जवाब दीजिए अशोक जी की बातों का, उनका कहना है कि इस प्रकार से करने से क्या भ्रष्टाचार रुक नहीं जाएगा? आप बुद्ध बता रहे आयुष्मान भारत की बात को रख रहे हैं। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जितने लोग हैं वो अधिकारी हैं जिनकी संख्या एक सीमित, अधिकारियों की सीमित संख्या है, और ये सीमित संख्या जो टैक्स पेयर्स है जो अपना आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है, ये इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में सेक्शन 81 के तहत, सेक्शन 80 के तहत, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन स्थिति से अपने मन से कुछ भी भर देगा, क्योंकि इनकम टैक्स के दायरे हैं और सेक्शन 80 के तहत वो सारे भारत के लोग जो सर्विस के, जो उत्तर प्रदेश या किसी भी देश के सर्विस में, सरकारी सर्विस में है, उनको अपना डाटा डालना होता है। तो जितना उनके आय के स्रोत हैं वो सब कुछ इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत आता है। यदि वो कुछ फॉल्स डाटा अपलोड करते हैं और कभी उन पे उनका मिलान होता है इनकम टैक्स के तहत, तो निश्चित तौर पर यदि डिफरेंस आएगा तो अपराध की श्रेणी में आता और उनको दंडित किया जाएगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कोई किसी भी व्यक्ति का डाटा वो पोर्टल पे और खास तौर साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स में भी हो, ये तो बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरी बात इन्होंने कहा कैसे हो पाएगा, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब इस केस में पहली बार यूपीआई लागू हो रहा और यूपीआई लागू होने का जब संसद में इसकी बहस चल रही, तो यही कांग्रेस और उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी बसपा के लोग संसद में खड़ा होकर प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे कि आप ठेले वाले से यूपीआई कैसे कराएंगे, सब्जी वाले से यूपीआई कैसे कराएंगे,
गरीब गुरबा व्यक्ति से यूपीआई कैसे कराएंगे? इस देश की गरीब जनता का अपमान है। परंतु मैं आपको बड़े गर्व के साथ इस बात को बताने का बता रहा हूँ कि दुनिया में सर्वाधिक यूपीआई का ट्रांजेक्शन कहीं होता है तो भारत में होता है, और उसका 70% ट्रांजेक्शन करता है ठेले वाला, कुंचे वाला, सब्जी वाला, क्योंकि इच्छा शक्ति थी, हमने उच्च इच्छा शक्ति जल्दी से अशोक जी 10 सेकंड अपनी बात और उसको करके देखिए। यूपीआई की बात तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बता रहे हैं कि किस तरह से इनसफिशियंट फंड के नाम पर गरीबों का लाखों करोड़ रुपया इस सरकार ने खा गई। गरीबों का इनसफिशियंट फंड किसके अकाउंट में रहता है? उन्हीं ठेले वाले, खुमचे वाले, चाय वाले के अकाउंट में इनसफिशियंट फंड रहता है, मैं आपको बता दूं सुनील जी। और उनसे, उन गरीबों से इन्होंने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए इनसफिशियंट फंड के नाम पे, पेनाल्टी के नाम पे। ये लोग क्या गरीबों का भला करेंगे? ये तो जो मिला उसी को लूट रहे हैं, चाहे गरीब मिल जाए उसको लूट लेंगे, जो किसान मिल रहा उसको लूट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही। अशोक यादव जी आपका, कृष्णमोहन पांडे जी आपका, और अमिताभ कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा, सपा का ये कहना है कि इससे कोई बदलाव नहीं होगा, और बीजेपी का यही कहना है कि जिस प्रकार से अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना होगा, इससे बहुत बदलाव होगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी। और देखा जाता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो लिप्त होते हैं भ्रष्टाचार में, और इस प्रकार के आदेश के बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद तोड़ गई होगी, और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जो अधिकारी है काम कर रहे हैं उनके लिए आगे एक फरमान भी जारी हो गया है। तो अभी देखना होगा क्या कितना कारगर होता है, धरातल पर कितनी काम करती है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।